સંઘપ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના દાદરા ખાતે 1 નવેમ્બરના રોજ હત્યા કરેલી યુવકની લાશ મળી આવવાના ચકચારી પ્રકરણમાં પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી હત્યાનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો હતો. પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા અનિલ મોહન નામના યુવકે 31 ડિસેમ્બરની રાત્રિ દરમિયાન મિત્રો દ્વારા કરવામાં આવેલ પાર્ટી દરમિયાન થયેલા ભખેડામાં વિનોદ નામના યુવકની હત્યા કરી હતી. આ અંગે વધુ તપાસ સેલવાસ પોલીસ કરી રહી છે. देखिए, आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले ये एक FIR रजिस्टर हुई थी जिसमें एक इंसान का मर्डर हुआ था. दादरा एरिया की बात है और इसमें कुछ हमें फीडबैक मिला था और कुछ इन्फॉर्मेशन जो डेवलप की थी IO के थ्रू और लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू. हमने जो उसके साथ जो लास्ट लोग देखे गए थे उनको राउंड अप किया था, उनको इंटेरोगेट किया था. उसमें एक आदमी का नाम सामने आया था जो कि भागा हुआ था, रिस्पॉन्ड कर रहा था. तो लोकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने उसके भाई के घर से उसको ट्रेस किया, उसको पकड़ा, इंटरोगेट किया और उसमें उसने कन्फेस किया और रीज़न भी कुछ इस तरह से कुछ लव अफेयर और लव ट्राइंगल, नॉट एग्जैक्टली बट उस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसने रंजिश में इस आदमी पर अटैक करके इसको मर्डर किया था. तो उसको अरेस्ट किया गया है, आज कोर्ट में पेश किया गया है. 4 दिन की पुलिस कस्टडी भी मिली है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें. हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने डेवलप की है और आसपास के पुलिस स्टेशन से पता चला है कि 2014 में भी अपने शायद फादर के मर्डर में ये इन्वॉल्व था. और तो कुछ टेम्परामेंट इसका कुछ एग्रेसिव है, उस टाइम ये जुवेनाइल था तो अकॉर्डिंगली इसमें केस चला था. बट अब इसमें प्रॉपर मर्डर के सेक्शन के अंडर FIR में